नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल घरोंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट रुचि। तो फ्रेंड, हम जा रहे हैं कलश यात्रा में, क्योंकि आ जा रहे हैं विजय कौशल जी महाराज, जिनकी कथा होगी हिंदू नेशनल में 28 से 5 मई तक। दोस्तों, श्री कौशल जी महाराज जी के मुख से राम कथा का आयोजन देहरादून में हिंदू नेशनल स्कूल में हो रहा है और यह आयोजन 28 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा। तो फ्रेंड, 251 जो महिलाएं हैं वो कलश यात्रा में भाग ले रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि उन सबके कलश रखे हुए हैं। और हमारे 7:45 बजे हमें श्याम सुंदर मंदिर पटेल नगर में आना था और वहां से हिंदू नेशनल जाना है, जो कि 1 किलोमीटर दूर है। श्याम सुंदर मंदिर बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स, वहाँ पर एक अलग ही वाइब्स है। यानी कि जब आप जाते हैं तो आपको बहुत शांति मिलती है। और वहाँ पर कीर्तन भी इस समय चल रहा था, आपको वहाँ पर बैठकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत साफ सुथरा मंदिर है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पूजा पाठ हमेशा होते रहते हैं। कभी भागवत होती है, कभी कोई ओकेजन होता है, होता रहता है। तो ये है हमारी टीम, खुड़बड़ा की टीम। और फ्रेंड्स, इसमें जो पटके हैं और ये कलश है, ये समिति द्वारा दिया जा रहा है, जो कि कथा का आयोजन कर रही है। फ्रेंड्स, इसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, आपको सिर्फ अपना नाम लिखवाना था। और कहा गया था कि यदि आपके पास पीले कपड़े हों तो पीला सूट या साड़ी आप पहनकर आ सकते हैं, अगर पीले नहीं है तो आप भाई कोई भी पूजा के कलर, जैसे लाल, गुलाबी, हरा, कोई सभी कलर पहनकर आ सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो आयोजन समिति है ये हमारी तरूर दीदी है, जिसके अंडर में मैं गई थी कलश यात्रा में, और ये सोनिया भाभी हैं। तो इनको बड़ी दिक्कत होती है फ्रेंड्स, कोई भी ऐसे आयोजन समिति का अध्यक्ष नहीं पाता, उसे थोड़ा सा पेन लेना पड़ता है। पहले लेडीज़ की लिस्ट बनानी पड़ती है, फिर जब यह सभी लेडीज़ यहाँ पर आ गई तो उन्हें कलश देना और चुन्नी देना, पटके देना, ये सब उन्हीं का काम है, जो अलग अलग मंत्रियों की समिति बनी हुई है। उन समिति में से सब ने अपने अपने मेंबर्स टिक कर रहे हैं और सब आ रहे हैं। और देखिए सब कितने सुंदर लग रहा है यहाँ पर, अधिकतर पीली साड़ी में ही आए हैं। और हमारी जो कथा है वो शुरू हो गया है, बाहर बैंड बजना शुरू हो गया है और अब कलश यात्रा हमारी आरंभ ही होने वाली है। तो देखिए, जो आयोजन समिति है वो अपना काम कर रही है और लेडीज़ उनके पास जा रही है कि जो बहुत से लेट भी आए थे और कि भाई हमें हमारा कलश दे दीजिए। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि प्लीज़, जैसे 7:45 का टाइम है तो 8:15 तक ज़रूर आ जाइए, अदरवाइज बहुत दिक्कत होती है जो आयोजक समिति होती है। तो और बाकी लेडीज़ आराम से बैठ गए और श्याम सुंदर मंदिर की तरफ से यहाँ पर चाय का प्रसाद और मठरी भी वितरित की गई थी। अगर आप चाय पीना चाहे तो यहाँ पर चाय पी सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब आया है हमारा पिक्स लेने के लिए, तो सभी लेडीज़ पिक्स ले रही है। और देखिए, ये आयोजन समिति के जो इतने भी जेंट्स हैं वो भी पीले कुर्ते पजामे में या पीली टी शर्ट में है। तो अब हमारी कलश यात्रा शुरू हो गई है। जय श्री राम। कलश 251 लेडीज़ ने उठाया था, इसलिए लेडीज़ का सैलाब सा गया है। जहाँ आप देखेंगे आपकी नज़र जाएगी, लेडीज़ ही लेडीज़ हैं और सभी बहुत ही खुश हैं, बहुत ही मतलब अपने आप को भाग्यशाली मान रही हैं कि उन्होंने कलश उठाया है। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरह के जब भी आयोजन होते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कलश वगैरह या कथा सुनने ज़रूर जाएँ। आप पूरे 7 दिन नहीं जा सकते तो कम से कम 1 दिन तो ज़रूर जाएँ। इससे फ्रेंड्स हमें कुछ ना कुछ नॉलेज ही प्राप्त होती है और जो हमारे जीवन के बारे में भ्रम है वो काफ़ी दूर होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए स्लो मोशन में दिखा रही हूँ क्योंकि सभी ने मुझे कहा था कि आप हमारी पिक्स ज़रूर लेना। और जो इस समय धूप भी हो गई है, हालांकि मंदिर का जो आयोजन समिति है उन्होंने आयोजन बहुत ही अच्छे तरीके से किया था फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ी धूप हो गई है। तो ये जो दुपट्टा है वो हमारे सिर पर रखने के भी काम आया था, जो कि हमें धूप से भी बचा रहा था। जय श्री राम। कोई नहीं, कोई नहीं।
सिर पे मुकुटा राम गुणगा राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है नारी नारी की निकली। फ्रेंड्स, जो रामायण है उसे जो जेंट्स है वो बारी बारी अपने सिर पर ले रहे हैं, कभी कोई ले रहा है कभी कोई ले रहा है, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जब हम रामायण लेते हैं अपने सिर पर धारण करते हैं। तो फ्रेंड्स, और देख ही सकते हैं लेडीज़ में कितना उत्साह है, कितना उमंग है, और सभी देखिए इतने उस मतलब धूप में भी और आराम से चल रही हैं, बहुत ही अच्छे से चल रही हैं। और फ्रेंड देखिए, ये हमारी टीम भी आ गई और सब डांस भी कर रहे हैं बीच बीच में। और जैसे मैंने बताया था कि जो ये दुपट्टा है वो लोगों ने सिर पर ढक लिया है ताकि उन्हें धूप न लगे। ओ, एक तरफ लक्ष्मी के पालन हारी फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं सभी लेडीज़ में बहुत उत्साह है, और बड़ी उम्र की भी लेडीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं और छोटी उम्र की भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो यही एक फ्रेंड्स जो हमारा कल्चर है वो हम सबको इकट्ठे लेकर आता है। फ्रेंड्स, इस समय सुबह के लगभग 9:30 बजे हैं, लेकिन धूप तेज हो गई है, फिर भी लोग मतलब लेडीज़ में उत्साह कम नहीं हुआ है। हालांकि जो कलश यात्रा है उसके साथ साथ एक एम्बुलेंस भी चल रही थी ताकि अगर किसी को कुछ परेशानी हो, एक दो गाड़ी और स्कूटर्स भी चल रहे थे, यदि किसी लेडीज़ को दिक्कत है या वो बड़ी एज की है तो वो उसमें जा सकते हैं। पर सभी लेडीज़ को अच्छा लग रहा था कि वो पैदल चल रही थी। जो आयोजक समिति के जेंट्स थे वो लेडीज़ के साथ साथ चल रहे थे, और वो उन्होंने मतलब बीच सड़क के बीच में चल रहे थे ताकि एक तरफ ट्रैफिक चलता रहे और एक तरफ लेडीज़ चलती रहे, किसी का एक्सीडेंट ना हो, कोई परेशानी ना हो ट्रैफिक चलने में भी, क्योंकि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक गुजरता है। फ्रेंड्स, कोएलिस्टा होटल की तरफ से सब लेडीज़ में पानी वितरित किया गया, जीरा वितरित किया गया ताकि जो इस समय चलकर उन्हें प्यास लग रही थी वो प्यास। शीतला देवी मंदिर की तरफ से भी भक्तों पर फूल बरसाए गए और उन्हें जल वितरित किया गया, मठा वितरित किया गया और जीरा वितरित किया गया। देखिए, रास्ते में भी लोगों के अंदर पूरी तरह उत्साह रहा है, और लोग रामायण को जो कि अपने सिर पर लेते हैं उसको बार बार बदल भी रहे हैं। तो अब हमारी यात्रा हिंदू नेशनल में पहुँच गई है। फ्रेंड्स, हिंदू नेशनल में पहुँचने ही वाली है, और उसे बिल्कुल सहारनपुर चौक से न लेकर बीच के रास्ते से ले आ गया था। तो देखिए ये पंडाल कितना बड़ा है और पूरी लेडीज से भर गया है। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा, कथा सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ा पंडाल लगा है, सबसे बड़ी बात है सब लगभग चेयर्स ही लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जूते चप्पल उतारने के लिए अलग जगह बनाई हुई, जहाँ पर कौशल जी महाराज जी कथा करेंगे वहाँ पर सबके कलश सजा दिए गए हैं और सभी अपने अपने कलश दे रहे हैं और फिर नाश्ता करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं पंडाल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आप जरूर पधारिए। तो फ्रेंड्स, लेडीज़ में अभी भी उत्साह है, बहुत सी लेडीज़ डांस भी कर रही हैं यहाँ पर, और जो जेंट्स हैं समिति के मतलब जो समिति के अधिकारी हैं वो इसमें सहायता कर रहे हैं लेडीज़ के कलश रखने में। और कलश कितने सुंदर लग रहे हैं फ्रेंड्स, कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये देखिए कितना सुंदर आयोजन लग रहा है। और फ्रेंड्स, सभी लेडीज़ पिक भी ले रही हैं, और ये है हमारी अखंड ज्योत और ये है हमारा राम दरबार, जो कि पूरी की पूरी कथा में स्टेज पर ही रहेगा, और अखंड ज्योत भी हमारी स्टेज पर ही रहेगी। जो राम दरबार है उसे ऊपर लगाया जा रहा है, और फ्रेंड्स आप जरूर आइएगा, मैं आशा करती हूँ आप जरूर आएंगे। और राम राम छे, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम ग्यारह, राम सोलह, राम राम सत्रह, राम राम छियालीस।
लास्ट में मैंने और चारों ने भी टीका राम नाम का लगवा लिया था। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो प्रसाद है वो भी बहुत अच्छा था, यहाँ पर चाय थी और आलू कचौरी और हलवा वितरित हो रहा था। तो आशा है आप ज़रूर आएंगे कथा में, और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, जय श्री राम।